आंदोलनाची बेकायदा कत्तल करणाऱ्या भूमिपुत्राचा आंदोलनाची बेकायदा कत्तल करणाऱ्या भूमाफियांचा आंदोलनाची बेकायदा कत्तल करणाऱ्या भूमाफियांचा आंदोलनाची बेकायदा करणाऱ्या भूमाफियांचा आंदोलनाची बेकायदा कत्तल करणाऱ्या भूमाफियांचा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम खड़े हैं वसई तहसील कार्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं और ये स्थानिक लोग, स्थानिक भूमिपुत्र हैं। इनका ये कहना है कि इनकी जो ज़मीन है ससुनगर गाँव में, वहाँ पर भूमाफियाओं ने अवैध तौर पर माटी का भराव किया है और 1-2 फीट नहीं, कई फीट वहाँ पर भराव हुआ है। प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और यही मांग लेकर अपनी ज़मीन खाली करवाने, जहाँ अतिक्रमण हुआ है खाली करवाने, ये आंदोलन पर बैठे हुए हैं। यहाँ एक चीज़ हमने जब इनसे बातचीत की और इनके जो डॉक्यूमेंट इन्होंने दिखाए वो देखे तो बहुत ताज्जुब की बात ये थी कि एक 7/12 हमने दिखा, उस 7/12 पर जो यहाँ दावा कर रहे हैं उनका नाम नहीं है, लेकिन उस 7/12 पर यह लिखा है कि मामला कोर्ट प्रविष्ट है, उसके बावजूद फेरफार हुआ है। तो तलाठी को यह अधिकार किसने दिया कि जब मामला न्यायालय में है तब तलाठी उसमें फेरफार करे? तो कहीं ना कहीं इस मामले में जैसा कि इनका आरोप है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक जो है वो सामने, चूक नहीं बल्कि जानबूझकर की गई गलतियां या जानबूझकर किसी को फ़ायदा पहुंचाने किए गए कार्य साफ दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं ये विषय, इसमें प्रशासन की मिलीभगत होने का पूरे तौर पर दिखाई दे रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और जिन भूमाफिया के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ऐसे तलाटी हो या सर्कल हो या उनके ऊपर तहसीलदार हो, जैसा इनका ये भी आरोप है कि पूर्व की तहसीलदार मैडम खुद वहाँ पर गई थी और उन्होंने रिपोर्ट मारी थी, उसके बावजूद आज दिन तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि इस तरह से यहाँ अभी ये विषय है इनकी ज़मीन का, लेकिन ये ज़मीन जिस जगह पर स्थित है वहाँ पर हमने जून महीने में देखा है कि पानी भरने की वजह से कितनी तकलीफ है वसई विरार वासियों को हुई है, कितनी प्रॉब्लम हुई है। और ये पानी भरने का कारण वही था कि वहाँ जो अवैध माटी भरा हुआ है और मेंग्रोज जिनको पर्यावरण के लिए काफ़ी बेहतर माना गया, उन मेंग्रोज को काटा गया है। तो यही मांग लेकर ये लोग यहाँ बैठे हैं। अब देखा यह जाएगा कि प्रशासन को कब जाग आती है और प्रशासन कब इनकी मांग पर समुचित कार्रवाई करता है। और सर क्या कहिए, क्या विषय है आज यहाँ आंदोलन पर बताएं। तो जो आंदोलन हो रहा है ससुनगर करके गांव है, उधर जो भूमाफिया है इन लोगों ने भरनी की है, 22 फीट हाइट तक भरनी की है। ये नेचर हाईवे उसके बाजू में ही है गांव। तो ये जो भूमाफिया है उनके ऊपर कार्रवाई करो, उसमें शशि माथर है, पाड़ सिंह है, ऐसे 2-3 जन है, उनके ऊपर कार्रवाई करो। और जो हमारे भरत पाटिल है, जो हमारे किसान है उधर के, उनके जगह में ये लोग भरनी की है। इसके लिए वो जो अनाज बनता है उधर वो बन नहीं रहा है, खेती नहीं हो रही है। तो इन लोग को हम लोग प्रशासन को बोला था कि इन लोग के ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इसके लिए ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। इधर वहाँ से रेती का भरा होता है या रेती उत्खलन होती है तो उसकी परवानगी वगैरह का कुछ आपने डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा है? डॉक्यूमेंट तो मांगा है कुछ, उधर भरने का डॉक्यूमेंट मैडम ने, तहसीलदार मैडम ने कुछ 200-300 ब्रास का ही उनको परमिशन दिया था, लेकिन वो तो 1000 के ऊपर गया है। तो इसमें शामिल कौन है? प्रशासन के आदमी लोग हैं। और जो हाईवे पानी भर रहा है हाईवे में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बाद में 11000 लेने के लिए आते हैं पंचनामा करने के लिए तलाटी तहसीलदार। क्या फ़ायदा है? प्रशासन का नुकसान हो रहा है। ज़मीन की परिस्थिति कैसी? जैसे इनका दावा है कि ज़मीन इनकी है, लेकिन फिलहाल 7/12 पे इनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। जो लिस्ट पेंडेंसी से था 92 में, इनके जो दादाजी गुजर गए, बाद में 93 में ये लोग जुटा डॉक्यूमेंट करके उस पर नाम चढ़ाए गए। ये लोग शशि माथरे, पाड़ सिंह है, ऐसे कुछ 3-4 नाम है उसमें। तो उन लोग के ऊपर FIR दर्ज होना मांगता है। आपकी मांग क्या है और ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? ये आंदोलन बेमुदत चलेगा। अभी तहसीलदार जब बुलाएंगे आएंगे तब बात करेंगे क्या है क्या नहीं, लेकिन गुना दाखिल करो, उसकी उसके बाद ही हम लोग उठने वाले हैं इधर से। सर मैंग्रोज कितने घंटे में था वहाँ पर? मैंग्रोज 30-40 घंटे में था, 30-40 एकड़ में था। ये भूमाफियाओं को महसूल विभाग का कितना समर्थन है, इसकी वजह से शासन का कितना नुकसान हुआ है, और जो नैसर्गिक की नाला था इसे भूमाफियाओं के भराव की वजह से रुक गया है, ये सही है क्या बात? सही है बात, क्योंकि ये ऑफिस जो चलता है ना तहसीलदार का 6 बजे के तक पाँच चालू होता है, इसमें बहुत दलाल रहते हैं, दलाल लोग आते हैं, उन लोग को बंद करना मांगता है, तो ये दलाल लोग को हम ढूंढ के निकालेंगे कौन है क्या है वो। भूमि पुत्र एकजुट होगा तो इस तरह से अन्याय होगा कि होना ही मांगता है एकजुट। जो युवा है वो आक्रामक हो गए, समाज के क्या रह गया भूमिपुत्र होके, कुछ नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं, कुछ नहीं है तो करेंगे क्या। अच्छा, ये लोग जो भूमि पुत्र का हक मार रहे हैं ये कौन है, पर प्रांतीय है कि स्थानिक है कि क्या इनके जो भूमि पुत्र है वो स्थानीय के इधर के आगरी समाज के है? नहीं, जो लोग वहाँ भूमाफिया अतिक्रमण कर रहे हैं ये कौन है? पर प्रांतीय है, पर प्रांतीय है। इसमें क्या भूमि पुत्रों की भी इसमें मिलीभगत हो सकती है? हो सकती है, दलालों की। भरत रोहिदास पाटिल। क्या विषय है आप आंदोलन पर बैठे? मेरा जगह है, उसमें मेरे जगह में पूरा भरनी गया है, भरनी हुआ है। कौन सा एरिया, कहाँ पे? ससुनगर एरिया है, वहाँ पे। कितनी जगह है? 3.5-4 एकड़ का प्लॉट है मेरा, और उसमें मैं पूरा खेती लगाता था, वो पूरा मट्टी डाल के पूरा भर के उसमें। और जो मैंग्रोज था, जो मेरे बांध के ऊपर जो मैंग्रोज था वो पूरा ये लोग मट्टी से गाड़ दिए नीचे। आपने इस बारे में शिकायत की प्रशासन से? मैंने कोकन भवन से लेके तहसीलदार से लेके सबको एक पेपर ये दिया है, अर्जी दिया है, लेकिन उसमें ये लोग कोई ध्यान ही नहीं देता है। वहाँ तहसीलदार प्रत्यक्ष तौर पे गए थे तो उन्होंने हवाल बनाया? हाँ, गए थे वहाँ पे, उसके बाद में मेरे को कोई उसका रिपोर्ट ही नहीं मिला मेरे को। मैं चक्कर काट रहा हूँ यहाँ के। एक 7/12 पर आपका नाम नहीं दिख रहा है आज के वर्तमान, इसका क्या विषय है? ये मेरे दादाजी का जगह था, ये जगह दादाजी का था, तो उसमें 92 में मेरे दादाजी मर गए, उसके बाद में 93 में ये लोग झूठा डॉक्यूमेंट्स बना के ये लोग ने नाम चढ़ा के पेपर बनाया, उसके इसमें मैं सिविल कोर्ट में मेरा दावा चालू है, जबकि मेरे पेपर पे डिस्पेंडेंसी है, डिस्पेंडेंसी लगी है, फिर भी ये लोग इनके फेरफार चालू है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन जिम्मेदार है इसमें। क्या मांग है? कुछ नहीं, जो मेरी मांग ऐसी है, जो पहले मैडम वहाँ पे मैडम ने जो वहाँ पे जाके ये किया है उसका मेरे को रिपोर्ट चाहिए, और अभी के एक समिति ने उनके पूरा जो जगह है उसका ये करो, मेजरमेंट लो उसका, और जो है जिनके नाम है उनके ऊपर ये केसेस दाखिल करो। आंदोलन आपका कब तक चलेगा? जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं बैठा रहूंगा। वहाँ पर मैंग्रोज को कटा दिया है, आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? आंदोलनकारियों ने हमें एक निवेदन दिया है, जो हमने यहाँ के सर्कल ऑफिसर है उनके पास उचित कार्यवाही के लिए भेजा है। उनसे रिपोर्ट आते ही अगर उस जगह पर कांदलवन मैंग्रोज का अगर नाश किया तो वो पर्यावरण के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और जो वहाँ पर भरनी की है वो भरनी के ऊपर भी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इनका जो फैमिली मामला है वो कोर्ट में है ऐसा बताया जाता है, उसके बावजूद भी वहाँ फेरफार हुए हैं, तो उसमें क्या प्रशासन की कहीं चूक नहीं है? नहीं, अगर कोर्ट में है दावा तो कोर्ट के आदेश के अनुसार वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट का अगर आदेश होगा तो उसके अनुसार वहाँ जो भी तलाकी है हम भी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।